अंबेडकर जयंती पर आज बीजेपी का संकल्प पत्र होगा जारी। पीएम मोदी पार्टी मुख्यालय में जारी करेंगे घोषणा पत्र, कई नई गारंटियों का कर सकते हैं ऐलान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में तैयार किया गया संकल्प पत्र, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के अलावा समिति में 27 सदस्य हैं, लोगों से सुझाव भी मांगे गए थे। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार, होशंगाबाद और मैसूर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मैसूर के बाद बेंगलुरु जाएंगे पीएम मोदी, शाम को 7:15 बजे करेंगे रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड में करेंगे चुनाव प्रचार, गढ़वाल हरिद्वार और टिहरी में जनसभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव के लिए सीएम योगी का धुआंधार प्रचार, कांग्रेस को बताया देश की समस्या का आतंकवाद नक्सलवाद जैसी समस्या कांग्रेस की देन। सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से कांग्रेस को हो रहा है दर्द, 7 सालों में यूपी में नहीं हुआ कोई दंगा। गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में करेंगे चुनाव प्रचार, राजनांदगांव और भंडारा में सभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, जमुई बांका और अलीपुर द्वार में रैलियों को करेंगे संबोधित। बीजेपी ने गुजरात के 40 स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की, पीएम मोदी जेपी नड्डा अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल का नाम शामिल। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी पर चुनाव प्रचार के दौरान हमला, पत्थरबाजी में जख्मी हुए। हमले के वक्त विजयवाड़ा में सीएम जगन बस यात्रा कर रहे थे, लोगों का अभिवादन करते वक्त एक बस में किया गया हमला। सीएम जगन मोहन रेड्डी की एक आंख के ऊपर भी लगा पत्थर, पत्थर लगने से जख्मी हुए। पीएम मोदी ने जगनमोहन रेड्डी पर हुए हमले को लेकर ट्वीट किया, कहा कि जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पंजाब के आनंदपुर साहिब में बीएचपी अध्यक्ष विकास प्रभाकर की दिन दहाड़े हत्या, दुकान में धारदार हथियार से हमला किया, पुलिस कर रही हमलावरों की तलाश। आम आदमी पार्टी आज मनाएगी संविधान बचाओ और तानाशाही हटाओ दिवस, संविधान बचाने की शपथ लेंगे आपके नेता और कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज मुरादाबाद में करेंगे चुनाव प्रचार, जनसभा को संबोधित करेंगे, रुचि वीरा के लिए वोट मांगेंगे। जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं अखिलेश यादव, बिजनौर रैली में बोले पेपर लीक की घटनाओं से लोगों में नाराजगी, यूपी में बीजेपी के करीब 1,80,00,000 वोटर कम हुए हैं। एक बार समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन किया जाएगा, सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में करेंगी जनसभा, प्रत्याशियों के लिए मांगेंगी वोट। मायावती ने कांग्रेस को दलित और आदिवासी विरोधी बताया, कहा कि अपनी गलती नीतियों के चलते ही बेदखल हुई है सत्ता से। इंडिया अलायंस ने कुछ कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं जो बीजेपी के सामने टिक नहीं पाएंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। बैसाखी के मौके पर राहुल गांधी गुरुद्वारा पहुंचे, दिल्ली के रकाबगंज साहेब गुरुद्वारा में राहुल गांधी ने मत्था टेका। छत्तीसगढ़ के बस्तर में राहुल गांधी की जनसभा, सरकारी सेक्टर में नौकरी के लिए ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज नागपुर में करेंगे चुनाव प्रचार, दीक्षा भूमि पहुंचकर डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर करेंगे अभिवादन। कांग्रेस को खत्म करने की हो रही है कोशिशें, लेकिन ऐसा नहीं होगा, पार्टी चीफ खड़गे का बयान। लोकसभा में कांग्रेस चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की लिस्ट फिर जारी की, ओडिशा से 9 और गुजरात की 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। हिमाचल के मंडी से चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह, बीजेपी की कंगना रनौत को देंगे चुनौती। प्रतिभा सिंह ने विक्रमादित्य के नाम का ऐलान किया, कहा कि मंडी में कांग्रेस ही जीतेगी। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर कसा तंज, मंडी से विक्रमादित्य सिंह और शिमला से विनोद सुल्तानपुरी को मैदान में उतारने पर साधा निशाना। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस यहां सिर्फ 2 सीटों के बारे में ही फैसला ले पाई है, हम पहले ही दिन 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। मनीष तिवारी की सीट बदलकर उन्हें चंडीगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया, पहले लुधियाना से थे सांसद। सीईसी की बैठक के बाद बोले पंजाब प्रदेश अध्यक्ष, कहा 7 से 8 सीटों पर हुई ही चर्चा, जल्दी होगी घोषणा। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, मुंबई में सिर्फ 2 सीट मिलने पर पार्टी के नेता है नाराज। राजस्थान कांग्रेस चीफ का बयान, कांग्रेस के खाते सीज किए गए, कम संसाधनों के बाद भी मिल रहा है समर्थन। केसी वेणुगोपाल का दावा, कांग्रेस के पक्ष में बदल रहा है माहौल, हार के डर से घबराए हैं पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की बदजुबानी, पीएम मोदी की तुलना जनरल डायर से की। संभल में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया, कहा कि देश की बागडोर चाय बेचने वाले को दोगे तो बेचने वाला बेचेगा ही, कमाकर नहीं लाएगा। बीएसपी कैंडिडेट आबिद अली ने बीजेपी सांसद के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया, खुलेआम धमकी भी दी। कांग्रेस के न्याय पत्र पर मनोहर लाल खट्टर का तंज, कांग्रेस को पार्टी के अंदर न्याय करने की जरूरत। पंजाब में अकाली दल ने 7 उम्मीदवारों का ऐलान किया, अमृतसर से अनिल जोशी और गुरदासपुर से डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा को टिकट दिया। पंजाब में आप सरकार ने भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया है, सीएम भगवंत मान का दावा। बीजेपी के परिवारवाद पर बोलने पर फारूक अब्दुल्ला का पलटवार, कहा कि वंशवाद से नहीं चुनाव के माध्यम से आते हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम की गारंटी को बताया चाइनीज, कहा कि कमल वाली पार्टी केवल फूल बनाती है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, 1 करोड़ नौकरी देने के लिए कितनी जमीन लेंगे ये नहीं बताया। हम के नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी के झूठे वादों पर जनता को विश्वास नहीं है, इंडी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं।
जेडीयू में शामिल हुए अशफाक करीम, मंत्री विजय चौधरी ने दिलाई सदस्यता, आरजेडी पर लगाया मुस्लिमों के साथ भेदभाव करने का आरोप। आरजेडी के उपाध्यक्ष रिशन पटेल ने भी इस्तीफा दिया, जगदानंद सिंह को लेटर लिखकर कहा कि समर्पित कार्यकर्ताओं की पार्टी को जरूरत नहीं। राजकोट में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ आज होगा प्रदर्शन, क्षत्रिय समाज के लोग कर रहे हैं महापंचायत। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का ऐलान, चुनावों में बीजेपी को करूंगा समर्थन, पीएम मोदी की वजह से बना राम मंदिर। उद्धव ठाकरे बोले, तानाशाही सरकार देश के लिए घातक, इंडिया अलायंस देश का करेगा विकास। उद्धव ठाकरे ने आज राज ठाकरे पर निशाना साधा, महायुति को बिना शर्त समर्थन देने का कुछ लोग कर रहे हैं नाटक। संजय राउत के पीएम मोदी पर हमले जारी, कहा कि गब्बर के बाद मोदी का चेहरा डरावना। बारामती से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार का बयान, मेरी उम्मीदवारी जनता की मांग थी। चुनाव में बीजेपी 200 सीट भी नहीं जीत सकेगी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का दावा। कूचबिहार में अभिषेक बनर्जी ने किया रोड शो, टीएमसी के लिए वोट मांगे। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं से भिड़े कांग्रेस नेता अधीर रंजन, वीडियो हुआ वायरल। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि अधीर रंजन मानसिक तनाव में है, वो जानते हैं कि बंगाल में हार रहे हैं। तेलंगाना में अकेले चुनाव लड़ रही है एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी बोले किसी से नहीं किया गठबंधन। सीएम पुष्कर सिंह धामी की हल्द्वानी में जनसभा, कहा कि उत्तराखंड में दंगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमिलनाडु में डीएम के कैंडिडेट मुरासोली का अनोखा चुनावी प्रचार, घोड़ा गाड़ी में बैठकर आए मुरासोली मार्ग। श्रीनगर प्रशासन की फर्स्ट टाइम वोटर से अपील, कहा कि लाल चौक पर नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया। मणिपुर में विस्थापितों के लिए चुनाव आयोग ने बनाए 94 स्पेशल पोलिंग बूथ, अपने ओरिजिनल पोलिंग बूथ पर भी वोट डाल सकेंगे विस्थापित। गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी प्रत्याशी महेश शर्मा का बयान, बोले कि इस बार पीएम मोदी के साथ मेरी भी जीत की हैट्रिक होगी। महेश शर्मा ने कहा कि पिछली बार सपा बसपा गठबंधन हारा था, इस बार भी गठबंधन हारेगा। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को सुनवाई, सीएम ने गिरफ्तारी को दी है चुनौती। महाटक सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से एक और लेटर लिखा, केजरीवाल पर जल्द करूंगा बड़ा खुलासा, कहा दिल्ली में बिजली पानी और बस यात्रा सब्सिडी जारी रहेगी, एलजीबीके सेना का बयान। मुंबई पुलिस ने एक्टर साहिल खान से पूछताछ की, महादेव सट्टेबाजी ऐप के मामले में सवाल जवाब किया। संदेश खाली के मामले का आरोपी शाहजहां शेख कोर्ट में पेश, 2 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कश्मीर के रियासी में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने को ध्वस्त किया, भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किए। मुंबई के जीटीबी नगर में दशमेश गुरुद्वारा पहुंचे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, बैसाखी के मौके पर मत्था टेका। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पूजा की, जल चढ़ाकर आशीर्वाद भी लिया। जम्मू कश्मीर के डोडा में कार हुई हादसे का शिकार, 6 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। हादसे की सूचना मिलते मौके पर चलाया गया राहत और बचाव का काम, घायलों को निकाला गया। बीती रात खाई में गिरी कार, कार में कुल 10 लोग सवार थे, घायलों को अस्पताल ले जाया गया। पोर्ट ब्लेयर में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी सतर्कता, बीती रात पुलिस ने की वाहनों की जांच। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का दिखा अलग अंदाज, हाथी पर सवार होकर सभा स्थल पर पहुंचे। मध्यप्रदेश के रीवा में खुले बोरवेल में गिरा 6 साल का बच्चा, बचाव अभियान में जुटा एनडीआरएफ, एसटीआरएफ का और प्रशासन। मौके पर बनाया जा रहा है टनल, हादसे के बाद बच्चे के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल। नोएडा के सेक्टर 125 में एमिटी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 5 के पास रईस जादों का आतंक, एक छात्र को गाड़ी से खींचकर गिराकर लात घूसों से पीटा। पीड़ित छात्र के साथ फॉर्मुलर गाड़ी में छात्रा भी मौजूद थी, मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, पूरे मामले की जांच जारी। मुंबई के बीकेसी में सरकारी दफ्तर के 4th और 5th फ्लोर पर लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शॉर्ट सर्किट के वजह से आग लगने की आशंका, आजमगढ़ हवाई अड्डे के नियंत्रण कक्ष में आग लगी, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, शनिवार शाम कई इलाकों में बारिश हुई, गर्मी से थोड़ी राहत मिली। आईपीएल में आज 2 मुकाबले, पहले मैच में कोलकाता और लखनऊ की होगी टक्कर, कोलकाता में 3:30 बजे मुकाबला। आज के दूसरे मैच में मुंबई इंडियंस की चेन्नई के साथ टक्कर, शाम को 7:30 बजे मुकाबला। मुंबई इंडियंस की 2 मैचों में लगातार मिली जीत से हौसले बुलंद, मुंबई के अंक तालिका में अब 2 जीत के साथ 7वें नंबर पर। आईपीएल में कल खेले गए मैच में आखिरी ओवर के रोमांच में जीता राजस्थान, हेटमायर के छक्के से जीता। राजस्थान ने 3 विकेट से पंजाब को शिकस्त दी, 6 मैचों में 5 जीत के साथ राजस्थान टॉप पर बरकरार। पंजाब ने 148 रनों का टारगेट दिया था, राजस्थान ने 1 गेंद शेष रहते 152 रन का स्कोर हासिल किया।